ये नॉलेज मैनेजमेंट का मॉडल है यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से बनाया हुआ इन्होंने इस तरह से बात की है कि दिस मॉडल लुक्स एट द वे इन विच नॉलेज मैनेजमेंट इज़ यूज टू अटेन द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स uh, क्या हैं और नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोसेस किस तरह से उन गोल्स की अचीवमेंट में हेल्प करते हैं दिस मॉडल इज़ बेस्ड

इसीलिए अप्लाई करेगी अपने यहाँ कि उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उसकी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना हो सकता है उसकी सर्विसेज को इम्प्रूव करना हो सकता है उसके उसके मुनाफे में उसके प्रॉफिट में इजाफ़ा हो सकता है या कोई भी ऐसे मकसद कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एज़ एन ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हासिल करने के लिए नॉलेज मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है इस मॉडल को अगर आप देखें इसमें आपको लेफ़्ट साइड के बॉक्स में नजर आएंगे लीडरशिप उसके बाद पीपल उसके बाद पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी उसके बाद पार्टनरशिप्स एंड रिसोर्स उसके बाद प्रोसेस ये सारे मिल के तो एनेबलर्स हैं इसका मतलब ये है कि ये नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोसेस के हिस्से हैं और ये सारे मिल के जब काम करते हैं तो इसकी आउटकम क्या होनी चाहिए वो इसके रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स हैं की परफॉर्मेंस रिजल्ट्स वो पीपल के लिए हों कस्टमर्स के लिए हों सोसाइटी के लिए एज अ होल हों और यही जो एलिमेंट्स हैं इसको अगर हम यहाँ देखें तो इसकी एक लिस्ट आपके सामने है कि लीडरशिप अब यहाँ लीडरशिप का मतलब ये है कि नॉलेज मैनेजमेंट का जो प्रोसेस हैं उसको लीड करने वाली कोई टीम होगी इसमें कुछ अफराद होंगे अब यहाँ पीपल का मतलब ये है कि जो लोग नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोसेस को लेके चल रहे हैं उसमें नॉलेज वर्कर का रोल प्ले कर रहे हैं वो हो सकते हैं इसके अलावा पॉलिसी और स्ट्रेटजी है कि जो नॉलेज मैनेजमेंट को इनक्रेज करेगी नॉलेज मैनेजमेंट के जो मैथड्स हैं उसको वहाँ पर अप्लाई करने के लिए हेल्प आउट करेगी उसके बाद फिर पार्टनरशिप्स एंड रिसोर्स हैं कि एक आर्गनाइजेशन दूसरे इदारों के साथ मिल पार्टनरशिप करती है या रिसोर्स की शेयरिंग करती है कि जिसके नतीजे में नॉलेज मैनेजमेंट की प्रैक्टिस वहाँ पे अमल में आती हैं इसके बाद फिर नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं कि किस तरह से नॉलेज को कैप्चर करना है उसको उसको क्रिएट करना है उसको फिल्टर करना है उसको स्टोर करना है उसको सेलेक्ट करना है उसको रिट्रीव करना है उसको फिर शेयर करना है और उसके बाद उसके नतीजे में प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी बात वो है की परफॉर्मेंस रिजल्ट्स के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने मकसद हैं वो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो प्रॉफिट हासिल करना हो सकता है वो कुछ अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को इंप्रूव करना हो सकता है या कुछ और हो सकता है असल जो अल्टीमेट गोल है वो है कि उस मकसद को हासिल किया जाए और उसी मकसद को हासिल करने के लिए ये तमाम का तमाम जो नॉलेज मैनेजमेंट का प्रोसेस है इसको मारज़ वजूद में लाया गया है